हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 61st लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टेलीस्कोपिक मेथड, जो कि है प्लेट लेइंग का ही एक मेथड। इस लेक्चर में हम जो है इसमें देखेंगे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, इस मेथड की मदद से हम कैसे एक ट्रैक को ले कर सकते हैं या फिर प्लेट को ले कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं और डिटेल में पढ़ते हैं इस मेथड के बारे में। टेलीस्कोपिक मेथड शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये प्लेट लेइंग का ही एक सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड के बारे में हम जो है लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको साइड मेथड या फिर ट्रेमलाइन मेथड को समझाया है और साथ ही साथ बताया है कि प्लेट लेइंग एक्चुअल में होती क्या है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद अमेरिकन मेथड। तो चलिए अभी टेलीस्कोपिक मेथड के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इन दिस मैथड प्लेट लेइंग इज डन बाई मैनुअल लेवर्स। इस मैथड में हम प्लेट लेइंग को मैनुअल लेवर्स की मदद से करते हैं, जहाँ पर किसी भी तरह की मशीनरी यूज़ नहीं होती है। ए सेंट्रल डिपोट इज स्टेबस्ट नियर दी जंक्शन। एक जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कि बहुत सी ब्रांच लाइन, मेन लाइन जो है आपस में मिलती हैं आके, उसे हम कहते हैं जंक्शन पॉइंट। हम जंक्शन पॉइंट के पास जो है कि सेंट्रल डिपोट जो है स्टेबल कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं, जहाँ पर कि हम अलग अलग जगह से मटेरियल आने वाला जो है अलग अलग ट्रेन्स के द्वारा जो है वहाँ पर मटेरियल लेकर आ सकेंगे सेंट्रल डिपोट में। वेयर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ट्रैक इज स्टार्टेड। और जंक्शन पॉइंट से ही हमारी जो न्यू रेलवे ट्रैक की कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। दी मटेरियल फ्रॉम दी सेंट्रल डिपोट इज ट्रांसपोर्टेड टू दी रेल हेड। रेल हेड मैं आपको बता दूँ, रेल हेड हमारा वो पॉइंट होता है जहाँ तक कि हमारी रेलवे ट्रैक कंस्ट्रक्ट हो चुकी है। अगर इसके बारे में आपको जानना है तो आप ट्रैक लेइंग के इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स वाले लेक्चर को जरूर देखिए, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। विद दी हेल्प ऑफ वैगन्स ऑन दी न्यूली कंस्ट्रक्टेड ट्रैक, हम क्या करते हैं सेंट्रल डिपोट से जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, जो हमारा मटेरियल हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, हम रेल हेड तक जो है एक ट्रेन के जरिए लेकर आते हैं और वो ट्रेन हमारी उसी ट्रैक पर चलती है जो कि हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। इन द सेम वे ट्रैक कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूस, इसी तरह जो है हमारी ट्रैक कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। एंड सब डिपोट्स आर कंस्ट्रक्टेड फॉर इजी मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है कि हमारी जब कंस्ट्रक्शन साइट है वो बहुत दूर चल जाती है सेंट्रल डिपोट से, तो हम क्या करते हैं बीच बीच में एक सब डिपोट बना लेते हैं, जाने के बीच में भी हम मटेरियल डिपोट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, जहाँ पर कि हम सामान को लाकर पहले ही रख लेते हैं कंस्ट्रक्शन चलते समय, ताकि हमें जो है ज़्यादा दूर तक सामान को लेने के लिए जाना ना पड़े। प्लेट लेइंग इज कंप्लीटेड विद दी फॉलोइंग ऑपरेशन। प्लेट लेइंग के क्या ऑपरेशन होते हैं टेलीस्कोपिक मेथड में? पहला है कलेक्शन ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल दूसरा, तीसरा है फिक्सिंग ऑफ रेल्स और चौथा है पैकिंग ऑफ ट्रैक्स। इन सभी के बारे में नेक्स्ट डिटेल में स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल गैंग इज इम्प्लॉयड इन द कलेक्शन एंड मेकिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। मटेरियल गैंग हमारी वो गैंग होती है जो कि मटेरियल को लोड और अनलोड करती है। हम मटेरियल गैंग को इम्प्लॉय करते हैं ताकि वो जो मटेरियल को है कलेक्ट कर सके और साथ ही साथ जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होता है हमारा उसे बना भी सके और उसे ट्रेन पर या किसी व्हीकल पर लोड अनलोड कर सके। सेंट्रल डिपोट इज इस्टेब्लिश्ड फॉर दी पर्पस वेयर फॉलोइंग वर्क्स आर डन। सेंट्रल डिपोट या फिर आप मेन डिपोट कह सकते हो, वहाँ पर हम कौन कौन से काम करते हैं। पहला होता है ड्रिलिंग होल्स इन रेल्स, जैसे हमारे जो रोल सेक्शन है वहाँ पर हमें फिश प्लेट या बोल्ट्स लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए वहाँ पर हम जो है वर्कशॉप में होल्स बना देते हैं रेल्स में, ताकि हमारा जो काम आसानी से हो सके। एजिंग ऑफ वुडन स्लीपर, आपको पता है कि एक रेल जो है 1:20 की स्लोप पर प्लेस होती है, इसलिए हम जो है एक लकड़ी का जो हमारा स्लीपर होता है, अगर हम लकड़ी का स्लीपर यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, तो हम उसमें जो है जहाँ पर हमने रेल सेक्शन फिक्स करना है वहाँ पर एजिंग प्रोवाइड कर देते हैं, यानी कि उतना सेक्शन कट कर देते हैं जिससे कि अगर हम जो है एक रेलवे सेक्शन को अपने वुडन स्लीपर पर रखेंगे तो उसे ऑटोमेटिक 1:20 स्लोप मिल जाएगी। नेक्स्ट है ऑयलिंग फिक्सचर्स एंड फास्टनिंग। जो भी हमारे फिक्सचर और फास्टनिंग होते हैं उसे ऑयलिंग की जाती है, जहाँ पर अदर टूल्स एंड मटेरियल, और इसके अलावा बहुत से टूल्स और मटेरियल होते हैं, और भी इसके अलावा बहुत से काम होते हैं हमारी सेंट्रल डिपोट में। सेकेंड है हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स। लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन इज मैनेज्ड बाई मटेरियल गैंग। ये काम भी आपको मैंने बताया मटेरियल गैंग ही करती है लोडिंग अनलोडिंग करने का। दी न्यूली कंस्ट्रक्टेड ट्रैक इज यूज टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल फ्रॉम ए सेंट्रल डिपोट टू द रेल हेड। हम जो है सेंट्रल डिपोट से रेल हेड तक, यानी कि जहाँ पर अभी तक काम चल रहा है वहाँ तक तो हमारा ट्रैक बन चुका है, तो उसी ट्रेन को हम जो है यूज़ करते हैं मटेरियल को
ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द कंस्ट्रक्शन साइट इज़ मोर देन 2 किलोमीटर, अगर हमारा जो डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन साइट का सेंट्रल डिपोर्ट से 2 किलोमीटर से ज़्यादा है, देन सब डिपोर्ट्स आर कंस्ट्रक्टेड, तो हम क्या करते हैं बीच में सब डिपोर्ट बना देते हैं। थर्ड है हमारा फिक्सिंग ऑफ रेल्स, लिंकिंग गैंग इज इम्प्लॉयड टू कनेक्ट एंड फिक्स द रेल्स ऑन स्लीपर्स। लिंकिंग गैंग वो गैंग होती है जो कि हमारे रेल का काम करती है, उसे फिक्स करना, उसे कनेक्ट करना, सेक्ट्रा। लिंकिंग गैंग इज इम्प्लॉयड टू कनेक्ट, हम उसे जो है इम्प्लॉय करते हैं ताकि वो हमारे रेल्स को कनेक्ट कर दे आपस में, उसे फिक्स कर दे स्लीपर्स के ऊपर, और साथ ही साथ उसकी फिक्सर एंड फास्टनिंग भी अच्छे से कर दे। द फॉलोइंग ऑपरेशन आर डन बाय लिंकिंग गैंग। लिंकिंग गैंग क्या क्या करती है, सेंट्रल लाइन ऑफ ट्रैक इज मार्क, वो पहले सबसे पहले जो है सेंट्रल लाइन मार्क कर देती है जहाँ पर ट्रैक को हमें ले करना है, जहाँ पर हमें स्लीपर्स और रेलवे को जो है फिक्स करना है। स्लीपर्स आर प्लेस ऑन सबग्रेड, उसके बाद हम स्लीपर्स को सबग्रेड के ऊपर प्लेस करते हैं। वेयरिंग प्लेट्स एंड चेयर्स आर फिक्स, उसके पास हम वेयरिंग प्लेट और चेयर्स जो है फिक्स कर देते हैं स्लीपर के ऊपर। रेल्स आर फिक्स प्रॉपरली, उसके बाद हम रेल्स को उन चेयर्स के ऊपर फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिक्सर्स एंड फास्टनिंग्स। लास्ट स्टेप है हमारा पैकिंग ऑफ ट्रैक, द पैकिंग गैंग इज इम्प्लॉयड टू पैक द न्यू ट्रैक इन टू प्रॉपर अलाइनमेंट एंड टू पैक द ब्लास्ट। पैकिंग गैंग हमारी वो गैंग होती है जो कि फिनिशिंग प्रोवाइड करती है हमारे रेलवे ट्रैक को। पैकिंग गैंग हमारे ट्रैक को अच्छे से जो है प्रॉपर अलाइनमेंट में पैक करती है। आपको पता है कि एक पर्टिकुलर ट्रैक को जो है कुछ समय के लिए ब्लास्ट के बिना ही यूज़ किया जाता है, जब उसकी अच्छे से कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन हो जाती है तब उसमें हम जो है ब्लास्ट डालते हैं, तो वो ब्लास्ट को पैक करने का काम भी पैकिंग गैंग का ही होता है। दे इंश्योर दैट द रेलवे ट्रैक इज़ प्रोवाइडेड विद प्रॉपर लेवल एंड ग्रेडियंट। ये हमारी जो पैकिंग गैंग होती है वो इंश्योर करती है कि हमारी रेल्स का लेवल अच्छे से है, वहाँ पर अच्छे से सुपर एलिवेशन सेक्टरा प्रोवाइडेड है कर्व्स पर, और साथ ही साथ उसके ग्रेडियंट अच्छे से है, ड्रेनेज प्रॉपर्टी उसकी अच्छी है। जो सभी जो काम है ये काम हमारी पैकिंग गैंग करती है और हमारे ट्रैक को अच्छे से पैक करती है ताकि वो इन फ्यूचर काफ़ी समय के लिए चले। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज है सभी नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ ही साथ हमने रेलवे इंजीनियर के सभी प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारे सभी रेलवे इंजीनियर से रिलेटेड लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इसके नेक्स्ट या फिर आप कह सकते हो कि लास्ट मेथड के बारे में। प्लेट लेइंग का लास्ट मेथड है अमेरिकन मेथड, तो उस लेक्चर को मिस ना करने के लिए साथ में और भी सिविल इंजीनियरिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।